तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अपने माटी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रवीण भाई से मिलने जा रहे हैं जो वेचलिका स्कूल के एचएम हैं। मेरी मुलाकात इनसे सोनाली गांधी फेलो है। सोनाली यहाँ पर करीब 1.5 सालों से सर के साथ काम कर रही है। तो सोनाली से ही बातचीत करते हुए पता चला कि साहब ने कई सारे नवाचार कर रखे हैं, कई सारी प्रवृत्तियाँ कर रखी है अपने स्कूल में। एक आचार्य के पद को निभाते हुए भी उन्होंने कई सारी जिम्मेदारियाँ करी है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे और उनके जीवन के या उनके जो इनोवेशन है उनके बारे में जानेंगे। तो नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण मुंदवा है। मैं करीबन 15 साल से इस जॉब में लगा हुआ हूँ। मेरा स्टार्टिंग जॉब का हुआ था कच्छ जिले में जी। करीबन मैंने 11 साल वहाँ पर अपनी जॉब की। मैंने जॉब स्टार्ट की तब कच्छ के बहुत ही दूर के इलाके में जॉब का स्टार्ट हुआ। करीबन 101 बच्चे थे वहाँ पर और हम तीन टीचर थे। जैसे नई नई जॉब शुरू होती है तो देखा कि भाई बच्चे, वहाँ के जो बच्चे थे उनकी लैंग्वेज में बहुत ही हमें शुरुआती दिक्कत हुई, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे वो कच्छी बोल रहे थे और हम गुजराती कई वर्ड वो समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे हम रेगुलर बोलते हैं, कई बच्चे ऐसे थे कि उनके घर में गुजराती वर्ड ही नहीं बोला जा रहा था। तो पहली दिक्कत ये हुई। फिर बाद में जैसे वहाँ पे जो जो टीचर कच्छ में जाते हैं उनके लिए कच्छी भाषा का ट्रेनिंग होता है, तो हमने भी ट्रेनिंग लिया और कुछ कुछ वर्ड हमने सीखे कि जिससे बच्चों के साथ हम कैसे बातचीत करें, उन्हें कैसे सिखा सके। और धीरे धीरे जाकर हम बच्चे के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करना सीख पाए। ऐसे हमारी शुरुआती हमें बहुत ही दिक्कत ये हुई लैंग्वेज के वजह से। और वहाँ के जो लोकल एरिया, जो कम्युनिटी थी वो भी कहीं बाहर से आए हुए थे, इसलिए ज़्यादातर एक कस्बा जैसा था, अलग से बसा हुआ बाहर से आए हुए लोगों के लिए, इसलिए उनका अलग ही कम्युनिटी था। ऐसा थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन धीरे धीरे अपने जैसे गए वहाँ, पूरा जो माहौल कैसा था वहाँ का वैसे हम एडजस्ट हुए और हमारा जो था वो हमने आगे बढ़ाया। तो ये जो सर बता रहे हैं आपकी लैंग्वेज को लेके, तो ये अभी हम भी करीबन 1.5 साल से फेस कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके की चुनौतियाँ आपके रही होगी। मेरा आपसे एक ये सवाल है कि आप पढ़ गए, आपने एक उम्र तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर शिक्षक बनने का आपके मन में कैसे विचार आया? मतलब कि जनरली होता है कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो एक शिक्षक ही एक ऐसा जीवन होता है जिसको अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, किसको अगर कोई काम नहीं मिल पा रहा है तो वो शिक्षक बन जाता है। कोई इंटरेस्ट कैसे आपका शिक्षक के प्रति हुआ है, तो उसके बारे में बताइए। जी, मैं 10वीं तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। फिर 11वीं और 12वीं में मैंने थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लिया पढ़ाई में और 12वीं में मेरे अच्छे नंबर आए हुए थे। फिर मेरे जो अंकल मामा थे वो भी टीचर में थे, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने सोचा था कि मैं टीचर बनूं। तो 12वीं में जो मेरे नंबर आए उसके बाद मैंने PTC के लिए अप्लाई किया एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरे नंबर कम पड़े इसलिए मैंने PTC नहीं किया और मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद MA की पढ़ाई मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सोशल साइंस में की और MA के बाद मुझे BEd में एडमिशन मिला। BEd मैंने अहमदाबाद के विवेकानंद कॉलेज में किया और जैसे ही मैंने अपना BEd कंप्लीट किया और मुझे ये जॉब मिल गई। तो जो सोनाली के भी कई सारे सवाल है जी जी, हमारी काफी बातचीत होती रहती है स्कूल को लेके, तो सोनाली भी आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहेगी। मतलब मुझे आपसे यही जानना है सर, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी सर के साथ मिलके काम कर रही हूँ, जिनके मुझे भी बहुत सारी सजेशंस मिली है, एडवाइसेस मिली है सर से शिक्षक होने के नाते। पर एक चैलेंज मुझे भी सर देखने को मिलता है कि क्योंकि आप अभी 4 या 4.5 साल से आप आचार्य के पद में हो, तो आचार्य के पद में काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, औपचारिकता ज़्यादा होती है इस रोल में, तो कैसे आप अपने अंदर की शिक्षक को जिंदा रख पाते हो? जैसे मैंने बोला कि मैंने कच्छ में अपने
शिक्षक के अपने व्यवसाय को शुरू किया, तो वहाँ भी मैं पहले से ही मुझे टेक्नोलॉजी और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं पहले से भी जहाँ से भी मुझे ऐसा कुछ अच्छा वाला मिले, कुछ जिसको मैं अपने स्कूल में अप्लाई कर सकूँ, तो वह मैं जहाँ से भी ऐसा अच्छा मटेरियल या कुछ सोर्स मिलता है तो मैं इकट्ठा करता हूँ और अपने क्लास में उसे अप्लाई करता था। तो जैसे बोला कि भाई आपको आचार्य के पद पर होके भी शिक्षक के लिए, तो आचार्य का पद जैसे बोला है कि भाई वैवाही काम ज्यादा रहता है, जी जी सर, ठीक है, उसके बाद भी जब जब समय मिलता है तब तब मैं अपना काम कैसे इजी क्लास में अपना काम कैसे इजीली कर सकता हूँ उसका जो कंटेंट या शॉर्ट्स ढूंढता रहता हूँ और उसे अप्लाई करता रहता। और इसमें आने के बाद थोड़ा दिक्कत ये रही थी कि टाइम हमें नहीं मिल पा रहा है जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर एक काम लेकर बैठे हैं कि मैं घर से सोच कर आया कि आज स्कूल जाके हम एक काम करेंगे, लेकिन यहाँ अगर आते हैं तो पता चलता है कि भाई नहीं दूसरा एक काम और हमें आज ही आज पूरा करना होता है, तो हम जो काम करना चाहते वो नहीं हो पा रहा और दूसरे काम में हम लग जाते हैं। लेकिन हमारा ट्राई ऐसा रहता है कि भाई जैसे हमने सोचा है वो आज नहीं तो कल कंप्लीट करें। तो देखा जाए तो मतलब आपका बच्चों के प्रति एक लगाव है, भले आप आचार्य के पद पे थे, भले आप शिक्षक के पद पे थे, दूसरा आपका नई चीजों को खोजने का एक है अंदर से कि मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहूं, तो ये दो फैक्टर आपके प्रति काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बच्चों के साथ शिक्षक बने भी रहना जरूर है और आपके पद को भी बेहतर करना। ये आपसे मुलाकात मेरी इनोवेशन फेयर में हुई थी, वहां पर मैंने देखा था कि आपने QR कोड एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आपने वो करा था कि बच्चे क्या कहते हैं QR कोड को खुद ही स्कैन करें, टीचर उसको स्कैन करे और क्लासरूम में एक एक्टिविटी वाला, उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। जी हाँ, QR कोड वैसे तो हम न्यूज़पेपर और बुक्स में देखते हैं कि QR कोड आता है, लेकिन पहले जब मैंने देखा तो ये क्या होता है कैसे यूज करते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर जैसे मैं एक बार एक इनोवेशन फेयर में गया, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने ऐसा देखा QR कोड का, और यूट्यूब और नेट के जरिए मैंने मालूम किया कि भी हम अपना QR कोड भी ऐसा जनरेट कर सकते हैं। तो इससे इंस्पायर होकर मैंने पूरा नेट पर पता लगाया कि भी हम अपना QR कोड कैसे बना सकते हैं और किस विषय में बना सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल लेके फिर नेट में मैंने सर्च किया कि भी जो अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का जो मैंने पढ़ा हुआ है BEd किया हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। फिर मैंने नेट में सर्च किया कि भी इस विषय से नेट पर जो फ्री कंटेंट अभी कौन कौन सा मिल सकता है जिसका बच्चे इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ सके। फिर मैंने सर्च किया तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज है कंटेंट का जो हम बच्चों को दिखा सकते थे, फिर उनका मैंने QR कोड जनरेटर के माध्यम से QR कोड बनाए और उसका एक प्रोजेक्ट तैयार किया और मैंने रखा वहाँ। तो सर ये तो एक अनुभव था जैसा मेरा, मतलब ये था कि मेरा आपका इंटरेक्शन का एक अनुभव था, पर सोनाली से बात करके मुझे पता चला कि आपने पहले भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं इस जी में और काफी अलग तरीके के इनिशिएटिव रहे हैं। जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन्हें डिस्प्ले करें, हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लगेगा कि इस तरीके का कोई इनोवेशन हम छोटे लेवल पर कर सकते हैं और इतनी सारी व्यस्तता के बीच में हम कैसे कर सकते हैं, तो ये अनुभव अच्छा लगेगा। तो मैं बस ये चाहूंगा कि आप अपने जो इनोवेशन है अगर आपके पास अभी कुछ अवेलेबल है तो उनको। से पहले मैंने अपने स्कूल के लिए जो असेंबली होती है उसमें बच्चे टुडे एंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आज के दिन क्या क्या हुआ था उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर और नेट में से ढूंढ कर आज के दिन में क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में बनी हुई थी उसका एक बुक्स बनाया हुआ है, जिसमें हम जैसे कि 21 जनवरी, तो 21 जनवरी को क्या हुआ था, तो भारत में पहला कंप्यूटर बनाया हुआ था, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरे 365 डेज में हिस्ट्री में क्या क्या बने हुए थे उसका पूरा एक मैंने बनाया हुआ है। साथ ही में जो असेंबली में हम बच्चों के लिए जानवा जीव जो बच्चे अच्छे से जान सके उसके लिए भी मैंने न्यूज़पेपर में से जो जो
नई नई बातें होती है जिससे बच्चे अच्छे से जान सके, जानने में उनको जिज्ञासा हो, ऐसी ऐसी कई चीजें उसका कटिंग लेके हमने एक बुक्स बनाई है जिसे हम असेंबली में प्रेजेंट करते हैं बच्चे अपनी तरफ से। फिर उसके बाद इनोवेशन की बात हुई तो पहला मैंने जो इनोवेशन प्रेजेंट किया वो हमारे स्कूल के एक टीचर का ही असेंबली में प्रेजेंट किया हुआ था, गणित गम्मत करके, ठीक है। उसमें बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड वो सभी चीज़ों को एक साथ असेंबली में भी यूज करके कैसे अपना मैथ्स पावरफुल कर सकते हैं उसका एक इनोवेशन था। मैंने पहले साल वो प्रेजेंट किया तो उसमें भी बच्चे अभी भी वो हमारा स्कूल में असेंबली में चल रहा है। उसके बाद दूसरे इनोवेशन में दूसरे साल में है क्यूआर कोड का। अभी जो आपसे बात हुई कि क्यूआर कोड से हम बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ा सके, उस समय मैंने क्यूआर कोड में सिर्फ सोशल साइंस जैसे और कुछ ऐसी पोएम और उसके विषय में दिया हुआ था। इसके बाद के साल में मैंने 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट एक साथ ले लिए, उसमें सभी सब्जेक्ट के ऑडियो वीडियो यूनिट टेस्ट और ये सभी चीज़ें हमने एक साथ रखी और ऐसे हमने अपना ये इनोवेशन देखे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्रिएटिव इनोवेशन लगे, पर मेरा मानना यही रहा कि जितना मैं लोगों से सुन पाया हूँ, मेरे खुद के अपने 5 स्कूल हैं तो मैं उनके साथ आचार्य के साथ काम करता हूँ, तो मेरा पर्सनली अनुभव कहता है कि आचार्य के पास वाकई में औपचारिक काम बहुत ज़्यादा होते हैं। उस औपचारिक काम में भी वो शिक्षक बने रहे या अपने आप में क्या कहते हैं बड़ी बात है कि उनके अंदर से वो शिक्षक अभी भी जिंदा है और आपके अंदर वो शिक्षक जिंदा है ये मैंने देखा। बस मैं अब यही चाहूँगा कि आप कुछ की मैसेज दें ताकि हमारे दर्शकों को इस चीज़ का अनुभव हो कि एक आचार्य के पद पर भी किस तरीके की चुनौतियों के साथ आप लड़ सकते हैं। तो आचार्य में बहुत सारे औपचारिक काम होते हैं आपने बोला, तो उसके बाद भी तो हम देखते हैं कि भी हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने आसपास से सीखते हैं, हम सीख तो लेते हैं लेकिन वापस देते नहीं, तो उसके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है वो हम निकाल नहीं पा रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा ट्राई करें कि हमारे पास जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए और उसके लिए प्रयत्न करते रहे। नमस्ते, हम तो ये बेजल का प्राथमिक शाला में मैं गांधी फलों के तौर पे अभी 2 साल मेरा होने ही वाला है तैयार। इस स्कूल ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, एक फैमिली की तरह मैं भी इसके एक पार्ट बन चुकी हूँ। मैंने देखा आप लोग कैसे परिवार की तरह काम करते हो यहाँ, तो मैम मेरे को आपसे पूछना था कि आचार्य साहब प्रदीप मल के नेतृत्व में आपने आपका क्या अनुभव रहा काम करने का, अगर आप थोड़ा। हाँ, मेरा नाम ममता बन है, अभी यहाँ इस स्कूल में मेरे 3.5 साल हुए हैं, पर सर का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बेस्ट है। सर कभी भी किसी स्टूडेंट या किसी भी टीचर को अनुशासन या इसी कोई भी पनिशमेंट ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है। सर इतने सबके साथ लिबरल रहते हैं कि इनके साथ टीम वर्क में भी हमें बहुत मज़ा आता है। सर का नेचर और उनके काम करने का जो तरीका है सबको साथ लेकर चलते हैं वही बेस्ट है। तौर पे आप लोगों ने काफी साथ मिलके काफी अच्छी चीजें और उनका प्लस पॉइंट है कि अब मेरे 3 साल में मैंने उनको कभी भी किसी भी टीचर को डांटते हुए या किसी बच्चे को गुस्से में भी कुछ बोला होगा ऐसा मैंने कभी, हर हमेशा टीचर वो टीचर हमारे हम जैसे ही टीचर की जैसे ही वो रहे प्रिंसिपल, लेकिन हम सबकी तरह वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो प्रिंसिपल है और हम उनके अंडर में हैं, हमें ऐसा ही लगा कि वो हमारे साथ ही है। एजुकेशनल प्रोसेस दो इन द बिगिनिंग ही वाज वेरी शाय बट आफ्टर दैट ग्रेजुअली ही रियली developed
he has some innovative plans and he really implemented all these plans. And my opinion, he is really such a nice guy. He is good administrator also, and he has some innovative ideas also. And with these, and with him and with his ideas, we have really, at some extent, though it is not up to the mark now, but I wish that in nearly 2 or 3 years, our school will be at up to the mark level. Thank you so much.